और अब खबर धार से है, जहां थाना कुक्षी के पुलिस के द्वारा नाबालिग बालिका के अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ है। बताया जाता है कि नाबालिका का प्रेमी ही उसका हत्यारा है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार धार के मार्गदर्शन में SDOP कुक्षी दिलीप सिंह के नेतृत्व में अपहरण की गई नाबालिग लड़की की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के तहत नाबालिग लड़की के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलीप पिता मोहन लाल पाटीदार निवासी निसरपुर ने निसरपुर आकर सूचना दी कि उसकी 15 साल की नाबालिग लड़की लापता है, जिसे कोई बहला फुसला कर भगा ले गया। वही मामले को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस के द्वारा नाबालिग की पिता से पूछताछ करते हुए किसी पर संदेह व्यक्त करने की बात कही गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा साइबर सेल धार की मदद से नाबालिग बालिका की CDR निकाली गई, जिसमें खोज में पाया गया कि गौरव पिता कैलाश पाटीदार निसरपुर से लगातार बात करना पाया गया और अंतिम समय में भी उसी से ही बात करते हुए बालिका की कॉल डिटेल्स मिली। वही लड़की की अंतिम लोकेशन भी लिंगवा दाहोद के बीच में होनी पाई गई, जिस पर गौरव से पूछताछ करके उसके द्वारा घटना के रात को अपने निसरपुर गांव में ही रहना बताया गया। इसके बाद साइबर सेल की मदद से संदेही की लोकेशन कसरावत पुलिस होना पाया गया, जिससे पुलिस को यकीन हुआ कि घटना संदेही गौरव पाटीदार के द्वारा ही की गई है। आपको बता दें कि बड़वानी से अज्ञात लड़की की लाश कसरावत पुल नर्मदा नदी से बरामद हुई थी, जिसके बाद मृत्यु के बाद में जानकारी जुटाई जा रही थी। आपको बता दें कि बड़वानी से अज्ञात लड़की की लाश नर्मदा नदी से बरामद हुई थी, जिसकी मृत्यु के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही थी। वहीं अपहृत मृत बालिका की मृत्यु के संबंध में थाना प्रभारी कुक्षी निरीक्षक DS चौहान के निर्देश में वीडियो फुटेज एवं टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा संदेही गौरव पाटीदार को गिरफ्तार कर उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई है, जिसमें उसने कबूल किया कि नाबालिग शादी करने का दबाव बना रही थी, जिस कारण से आरोपी गौरव काफी परेशान हो गया था और उसने लड़की को रास्ते से हटाने के ठान लिया और इस घटना को अंजाम देने के लिए रात में उसे बहला फुसला कर घूमने फिरने की बात कही, जिस पर अपनी कार में बैठाकर उसे कसरावत पुल पर ले गया, जहां अपनी कार को खड़ी कर उसे बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान लड़की युवक से झगड़ा करने लगी और इसी बात पर आरोपी गौरव ने जान से मारने की नीयत से उसके हाथ पकड़कर उसे धक्का देकर नदी में फेंक दिया। वहीं पूछताछ करने पर घटना में उपयोग किया गया मोबाइल और कार को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 302-201 की धाराएं लगाई गई हैं। जी हाँ, उससे हम बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन ने अपना काम पूरा ईमानदारी से किया है और हम पुलिस महोदय अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि आरोपी को इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और आरोपी को फांसी की सजा हो और उसमें महिलाओं के प्रति भी सम्मान की भावना बढ़े और पुलिस पर लोगों का विश्वास बढ़े। फरियादी दिल्ली पिता मोहनलाल पाटीदार निवासी निसरपुर की रिपोर्ट पर से नाबालिग लड़की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसपे से धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दौरान अनुसंधान पाया गया कि साइबर सेल की मदद व वीडियो फुटेज व टावर लोकेशन के आधार पर से आरोपी गौरव पिता कैलाश पाटीदार से पूछताछ करते आरोपी द्वारा नाबालिग बच्ची को बहला फुसला करके कसरावत पुल पर ले जाना व जान से मारने की नीयत से कसरावत पुल से उसको नदी में फेंक देना व साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से बालिका का मोबाइल भी नर्मदा नदी में फेंकना पाया गया, जिसको आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से घटना में प्रयुक्त वेगेनार कार एवं मोबाइल जब्त किया गया है। मोबाइल जब्त किया गया आरोपी के विरुद्ध धारा 302-201 IPC बढ़ाई गई है और आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।